रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट लखनऊ ने बीती रात डालीगंज स्थित श्री श्री माँ शुभ यात्रा ट्रेवल्स पर IRTCC के आड़ में ई टिकट एवं काउंटर आरक्षण टिकट की दलाली का व्यापार कर रहा है। टिकट काउंटर से लोगों को ऑनलाइन टिकट वितरण कराता था, जिसकी कई दिनों से रेलवे सुरक्षा बल को सूचना मिल रही थी, जिसके बाद ही मंगलवार को रेलवे पुलिस ने ट्रेवल्स की दुकान पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक युवक अनूप पांडे मड़ियाओं निवासी को गिरफ्तार किया गया और ट्रेवल्स मालिक चिन्मय राय फरार है, जिसकी लगातार तलाश की जा रही है। वहीं मौके से रेलवे सुरक्षा बल ने 38 काउंटर टिकट बरामद किए हैं, जिनकी यात्रा अभी बाकी है। वहीं बताया जा रहा है कि काउंटर टिकट में कई बाबुओं की मिलीभगत भी चल रही है और इसमें कुछ के नाम भी सामने आए हैं, जिस पर जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा, जाँच करने के उपरांत अगर उनके विरुद्ध साक्ष्य मिलते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं लखनऊ सिटी स्टेशन रेलवे प्रभारी मोहम्मद कलीम खान ने बताया कि आए दिन ट्रेवल्स की आड़ में रेलवे काउंटर टिकट निकालने का काम किया जा रहा है, जिसकी सूचना पर मंगलवार को डालीगंज स्थित ट्रेवल्स की दुकान पर छापेमारी की गई, जहां से उस दुकान में काम करने वाला अनूप पांडे नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आगे उन्होंने बताया कि ट्रेवल्स मालिक चिन्मय राय फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है और उसको भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पकड़ा गया आरोपी IRCTC के आड़ में ई टिकट एवं काउंटर आरक्षण टिकट की दलाली व्यापार कर रहा था, जिसके पास एक तत्काल काउंटर टिकट एवं 3 सामान आरक्षित काउंटर टिकट मिला है एवं 34 सामान आरक्षित काउंटर टिकटों की छाया प्रति, जिसमें यात्रा करना शेष मिला है। मूल काउंटर टिकट यात्रियों को दी जा चुकी थी, जिसके कारण बरामद नहीं की जा सकी। वहीं कुल 38 अदद यात्रा शेष आरक्षित काउंटर टिकटों का मूल्य ₹94,340, साथ ही 9 आरक्षित काउंटर टिकट जिसकी यात्रा तिथि बीत चुकी छाया प्रति मिली, जिसकी कीमत ₹12,510 सहित कुल 47 टिकटों की कीमत ₹1,68,050 पाया गया। कुल 33 टिकटों की विवरीकरण जो पर्सनल यूजर ID पर बनाई गई थी मिला, जिस पर यात्रा किया जा चुका था, जिसकी कीमत ₹54,245 पाया गया। इस तरह कुल टिकटों की कीमत ₹1,61,095 पाया गया है। इस खबर में बस इतना ही।